कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। टाउन हॉल मध्ये धोकादायक इमारतीचा पुनर्वसन करण्यासाठी भाजप तर्फे मीटिंग घेण्यात आली, तर चला पाहूया या संदर्भात अधिक माहिती। कल टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी आमदार कुमार आलानी और सभापति स्थायी समिति मतलब मैं, हम सब लोगों ने मिलकर एक मार्गदर्शन के लिए, सबको जानकारी देने के लिए एक मुहिम चालू की है, जिसके लिए पहली मीटिंग वहां पर रखी थी, जिसमें रेगुलाइजेशन के लिए जो 2006 में एक्ट आया था उसकी इम्प्लीमेशन रुकी हुई थी, वो इम्प्लीमेशन फिर से अभी चालू हो गई है। हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी कि कलेक्टर थाना, इनके पास समय नहीं होने के कारण ये पूरा कार्य रुका हुआ है, तो आयुक्त तो उल्लासनगर महानगर पालिका को प्राधिकृत अधिकारी बनाया जाए, तो प्राधिकृत अधिकारी बनाने की मांग पूरी हो गई और प्रोसीजर फिर से चालू करने के लिए आयुक्त को कहा गया है। आयुक्त ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है और सबको 2 महीने का समय दिया है कि जिसकी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे सोसाइटी हो, इन सबको जिसका प्लान पास नहीं है या जिनका प्लान पास है लेकिन उससे ज़्यादा बना हुआ है, अगर वो बिल्डिंग 1/1/2005 से पहले की बनी हुई है, तो उन्होंने एक इंटरनेट पे साइट चालू की है, उस साइट के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका फाइल मूव होगा वो सभी जानकारी आपको उसी इंटरनेट पे घर बैठ के वो जानकारी आपको मिलेगी। सर, इसमें जो है काफ़ी जो है ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कि रेगुलाइजेशन करना है 2006 के नियम के तहत जो पेमेंट थी उसको लेकर, और साथ ही साथ यदि आज के समय के रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी जो है पेमेंट करनी पड़ेगी रहवासियों को, और साथ ही साथ कई ऐसे और भी दस्तावेज है जिसे क्लेरिफिकेशन करने के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, क्योंकि अनऑथराइज चीज़ें हैं तो उनको क्लेरिफिकेशन होना काफ़ी मुश्किल है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ही जो है आप ऑनलाइन में है जो इसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो इस टेक्निकल चीज़ों के लिए किस तरीके का पराय निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, कोई भी जब भी हम प्लान सबमिट करते हैं कॉरपोरेशन में, चाहे वो रेगुलाइजेशन का हो या अदरवाइज भी सिंपल प्लान पास करना हो, तो हम आर्किटेक्ट के थ्रू करते हैं, एक बात। दूसरा, जो रेट की बात है, में रेट पूरे उल्लासनगर में जो हाईएस्ट है वो है 18,300 रुपया पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट आता है। अब अगर आप देखिए 18,300 डिवाइडेड बाय 10.76 करेंगे तो ये आता है 1,700 रुपया डिवाइडेड, ये हो गया एक स्क्वायर फीट का। तो अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 10 पढ़ेंगे, 10 मतलब 10% पेनल्टी है, 100% पेनल्टी नहीं है, 10% पेनल्टी पढ़ेंगे तो वो होता है सिर्फ 170 रुपया। तो आज के समय में आपको कौन सी जमीन 170 रुपया फुट में उल्लासनगर में मिलेगी? तो ये रेट का कोई इशू नहीं है। कई लोग हमें मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनके बातों में ना आके आप आर्किटेक्ट के पास जाइए और प्लान सबमिट कीजिए। एक दूसरा, आपको सिर्फ एक ही चीज का पुरावा देना है, सबूत देना है कि आपकी बिल्डिंग जो है, आपका स्ट्रक्चर है वो 1/1/2005 से पहले का बना हुआ है। 1/1/2005 से जो बिल्डिंग पहले बनी हुई है उसके सबूत के तौर पर आप लाइट का बिल दे सकते हैं, आप टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, आपका अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी दे सकते हैं, और कोई भी आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो वो दे सकते हैं, इसमें और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सनद है आप सनद दीजिए, आपके पास सनद नहीं है नहीं दीजिए, कोई इशू नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको सनद होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए, TILR होना चाहिए, कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है। दो ही कंडीशन है कि वो जो आपकी बिल्डिंग है फायर कंप्लायंट होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड से NOC लेनी है, और जो आर्किटेक्ट है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये बिल्डिंग स्टेबल है, उतना आपको सर्टिफिकेट चाहिए और एक सबूत चाहिए कि 2005 से पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई जो रेट है, जो पेनल्टी है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों ने अपनी पेनल्टी आधी बढ़ के छोड़ दी है,
अपने प्लान रेगुलराइज नहीं करवाए हैं। एक हाईकोर्ट का आदेश है जो आयुक्त को कहा गया है कि 6 महीने के अंदर ये प्रोसीजर पूरा कीजिए, उसके बाद अगर कोर्ट कोई आदेश देगा तो उसकी तकलीफ जो है वो पूरे उल्लासनगर को उठानी पड़ेगी। इसके लिए मेरी सभी लोगों से विनंती है कि अपना प्रपोजल जल्द से जल्द दाखिल करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।